हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो काफ़ी दिनों से जो उसका रिजल्ट जो है कि लोगों के बीच एक उत्सुकता का विषय बना हुआ था कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन अब से महज कुछ ही देर पहले जो है कि रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। और अभी आप देख सकते हैं जो कि इसका जो कट ऑफ है, यूए वगैरह सारा चीज़ मैं आपको दिखा देता हूं। और रिजल्ट देखने के लिए इसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप जो है कि हर रीजन का अलग अलग रिजल्ट दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए ज़रा इसके नोटिस के बारे में बात कर लिए जो क्या लिखा गया है। ऐसा लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 16/9 से 30/31/10 तक कंप्यूटर बेस्ड मोड में, जिसमें कि लगभग 20 लाख लड़के अपीयर हुए थे, लगभग 20 लाख जो है कि कैंडिडेट जो है कि इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ऐसा नोटिस के मुताबिक कहा गया है। और उसके बाद देखिए कि कट ऑफ जो दिया गया है पेपर वन का, वो पेपर टू के लिए जो कट ऑफ है उसको देख लीजिए कि ये जो कट ऑफ है आपको टोटल जनरल का 110 है, जनरल का 110 है, 0.5 है, ओबीसी का 101 है, ओबीसी का 101 है, उसके बाद आप एससी का देखेंगे तो 100.5 है, और उसके बाद ओबीसी का 101 और एससी का 100.5, और एससी का जो है कि एसटी का वो 87 दिया गया है, यानी टोटल जो है कि टोटल आपको लगभग 1,59,000 कैंडिडेट को जो है कि पेपर टू के लिए जो है कि अपीयर किया जाएगा, ऐसा जो है कि इसके नोटिस में बताया गया है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज जो है कि यहाँ पर आपको इसका कट ऑफ दे दिया है, आप उसके रिजल्ट में आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि नोटिस में एक और बात कही गई है कि आप अगर आपने एक से अधिक रीजन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो है कि कंसीडर एक ही जगह किया जाएगा उस केस में, और जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा, जो फिक्स्ड किया जाएगा, वो कॉमन कट ऑफ है, ऑल इंडिया कॉमन कट ऑफ जो है कि फिक्स्ड किया गया है, जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए भी यही होगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए भी यही होगा जो कि अभी फिक्स्ड किया गया है, सेम कट ऑफ रहेगा उस समय भी और इस समय भी। तो इसमें ऐसा था लोगों के बीच की हो सकता है कि सेक्शनल कट ऑफ दे, रीजन वाइज कट ऑफ आए, बट ऐसा नहीं है, ये आपको मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ जारी किया गया है, ऐसा यहाँ उन्होंने लिख दिया है। और उसके बाद जो है कि पेपर वन का मार्क्स जो है कि कुछ दिनों बाद जो है कि अपलोड कर दिया जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट लिखा है, द पेपर ऑफ द मार्क्स ऑफ पेपर वन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, मतलब जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा उस समय जो है कि मार्क्स को अपलोडेड कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने अपने नोटिस में साफ साफ कहा है। तो रिजल्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।